पड़ोसी मुल्क में कल आम चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान खून से लथपथ हो गया है। बलूचिस्तान में हुए लगातार दो धमाकों की वजह से पाकिस्तान में सन्नाटा छा गया है। धमाकों के जरिए दो उम्मीदवारों के दफ्तरों को निशाना बनाया गया और इसके बाद से पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी वाले हालात हैं। आगे बताएंगे आपको इन धमाकों से कितना नुकसान हुआ। उससे पहले देखिए पाकिस्तानी मीडिया में नई सरकार को लेकर क्या चल रहा है। पाकिस्तान में अगले वजीर आजम की गद्दी पर चाहे बिलावल बैठे या नवाज शरीफ, इस्लामाबाद में गारंटी तो मोदी की ही चल रही है। 8 फरवरी को पाकिस्तान की जनता अपना नया वजीर आजम चुन लेगी। दावा है कि पूर्व पीएम नवाज शरीफ ही अगले प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि आर्मी चीफ का आशीर्वाद उन्हीं के साथ है। हालांकि दूसरी पार्टियां भी लगातार कोशिशें कर रही हैं नवाज को मात देने के लिए। बिलावल भुट्टो ने तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी का भाषण कॉपी कर लिया। बिलावल भुट्टो ने चुनाव के आखिरी दिन अपना ट्रंप कार्ड जनता के सामने रखा। उनके भाषण में तीन बड़े वादों का ऐलान किया गया। पहला, पाकिस्तानी जनता की आमदनी को दोगुना करना। दूसरा, सोलर ऊर्जा से गरीबों को मुफ्त बिजली। और तीसरा, गरीबों के लिए 30 लाख पक्के घर बनवाना। ये वही वादे हैं जो पिछले कुछ दिनों या सालों में पीएम मोदी ने लोगों के सामने रखे। आपको याद होगा, पीएम मोदी ने पिछले महीने देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का ऐलान किया और कुछ ही दिनों बाद बिलावल ने वही वादा पाकिस्तान की जनता के साथ किया है। जब इस खबर की जांच हुई तो पता चला कि पाकिस्तान में चाहे नवाज हो या इमरान खान, सब ने मोदी की गारंटी दिखाकर वोट बटोरने की कोशिश की है। महिलाओं को सशक्त बनाना पीएम मोदी का लक्ष्य है और बिलावल भुट्टो के साथ इमरान खान और नवाज शरीफ ने भी इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। गरीबों को घर देने की बात मोदी ने की थी, आज पाकिस्तान में नवाज और बिलावल की पार्टी ने भी ऐसा ही दावा किया है। पीएम मोदी ने सबके लिए शिक्षा की बात की थी, इसी तरह इमरान खान और नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान में सबको शिक्षा देने का ऐलान किया। हालांकि सब यही कहते हैं कि पाकिस्तान में होगा वही जो आर्मी चाहेगी, यानी बिलावल चाहे कितने भी वादे कर लें, नवाज चाहे कितने भी भाषण दे दें, इमरान की पार्टी चाहे कुछ भी ऐलान करे, होगा वही जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ चाहेंगे। शायद इसी नियम को बदलने के लिए पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां भारत से नजदीकियां बढ़ाना चाहती हैं। नवाज शरीफ जब से पाकिस्तान लौटे हैं वो खुद को भारत के करीब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर नवाज शरीफ फिर से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका जवाब भारत पहले ही दे चुका है कि जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। असल में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ही वहां के सुपर प्राइम मिनिस्टर हैं। चुनावों के बाद वजीर आजम चाहे जो भी बने उसे जनरल का ऑर्डर मानना पड़ेगा, इसलिए 8 फरवरी को इलेक्शन से ज्यादा सिलेक्शन होने की आशंका है। Zee News.